उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुशाबाद होंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ और आज आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। 2 से 3 दिन हो गए कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, कुछ बिजी थी, आपको पता है बच्चों के साथ घर को मैनेज करना, घर के काम और भी बहुत सारे जो है वो काम होते हैं। हर हाउस वाइफ जो है वो समझ सकती हैं इस चीज़ को, तो इसलिए मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। बट आज मैंने सोचा कि कुछ भी हो जाए आज तो वीडियो बनानी। तो अभी मैंने शाम का टाइम है और अभी मैं अपने काम वगैरह जो है वो करके तो बस मैं बैठ गई हूँ कैमरा लेके, मैं आज वीडियो हम बना के रहेंगे। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आप लोगों को टाइटल देखिए पता चल गया होगा। आप लोगों से चाहिए मुझे एक सजेशन जो है वो मैं आपको अभी जो मैं आगे चलूँगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि सजेशन किस चीज़ के लिए मांग रही हूँ मैं आप लोगों से। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें और वीडियो को स्किप किए बगैर देखा करें, एंड तक देखा करें और लाइक करें, शेयर करें सबके साथ। तो चलते हैं अपनी वीडियो के जाने पढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज क्या सजेशन चाहिए मुझे आप सबसे। वीडियो के जाने बढ़ने से पहले आप सबसे एक और बात करती चलूँ कि मुझे आजकल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। मैंने थोड़े टाइम पहले जो है वो अपना शैम्पू चेंज किया था, लास्ट टाइम में जो मैं शैम्पू यूज़ कर रही थी उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। आजकल बहुत टाइम से कोई भी शैम्पू सूट नहीं कर रहा मेरे बालों पे और जो अब रिसेंटली मैंने चेंज किया है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। कंडीशनर भी मैं यूज़ करती हूँ, बट अगर आप लोगों के पास कोई भी अच्छी सी रेमेडी हो, सिंपल सी हो, ईजी हो, जो कि मैं यूज़ कर सकूँ, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। हेयर फॉल की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ और बाल बिल्कुल ऐसे जो है वो पतले हो रहे हैं और दिन ब दिन जो है वो गिरते चले जा रहे हैं। जब भी ब्रश करो तो ऐसा लगता है पूरे पूरे बाल जो है वो हाथों में आ जाते हैं। तो और आप लोग देखेंगे ये मेरा स्पॉटिंग जो थी यहाँ पे लिप्स पे जो मेरा दाना हुआ था। अगर आप लोग मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, रेगुलर मेरी वीडियो वॉच करते हैं, तो आप लोग ज़रूर जानते होंगे कि क्या हुआ था। और अब अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर है और इसकी स्पॉटिंग भी जो है वो काफ़ी कम हो गया है इसका निशान, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और डॉक्टर साहब से मैंने दोबारा मेडिसिन ली इस चीज़ के लिए। तो अब जो है वो यूज़ कर रही हूँ तो उससे जो है वो काफ़ी फ़र्क है और अल्लाह का शुक्र है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये जो हल्की सी स्पॉटिंग रह गई है ये भी चली जाएगी और यहाँ पर भी एक पिम्पल जो है वो हो गया। तो किस्सा कुछ ऐसा है कि संडे को मुझे जाना है बर्थडे पार्टी में मुझे जाना है। तो मुझे आप लोगों से मशवरा चाहिए, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं कौन सी ड्रेस वेयर करके जाऊँ। तो आप लोगों से मुझे मशवरा चाहिए, प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा, अच्छे अच्छे से कमेंट्स करिएगा और मुझे बताइएगा अपने सजेशन, अपना मशवरा दीजिएगा कि मैं कौन सा ड्रेस वेयर करूँ। मैं आप लोगों को अभी अपने ड्रेस दिखा रही हूँ, मैं लेकर आती हूँ, मैंने वार्डरोब से निकाल के रखे हैं तो मैं लेकर आती हूँ। प्लीज़ अच्छे अच्छे से कमेंट्स करके बताइएगा कि कौन सा ड्रेस वेयर करना चाहिए। तो चले चलते हैं वीडियो की जानिब बढ़ते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। जी तो आ गया है मेरा पहला ड्रेस जो कि है मरून कलर में, डार्क मरून कलर है। उसके ऊपर वाइट एम्ब्रॉयडरी हुई है, इस तरीके से पैचेस बने हुए हैं, कहीं छोटे हैं कहीं बड़े हैं। इस तरह से इसकी बेल बॉटम वाली ये स्लीव्स है इसकी, ठीक है। इसके आगे ऐसे बॉल्स लगे हुए हैं, बेल बॉटम स्लीव्स हैं और ये पूरी इसके पाइपिंग लगी हुई है गले पे भी, स्लीव्स पे भी और इसके साथ ही पूरे चाप दामन पे भी पाइपिंग है। और ये है इसका ट्राउज़र और ये प्लेन है, ठीक है, प्लेन ट्राउज़र है, पूरी हैवी शर्ट है और इसके साथ है ये इसका दुपट्टा, ठीक हो गया जी। ये है इसका दुपट्टा, ठीक है। दुपट्टे पे भी पूरे चारों तरफ इस तरीके से ये रिबन लगा हुआ है और उसके दुपट्टे पे ऐसे ये छोटे छोटे से पैचेस बने हुए हैं, ये देखें आप यहाँ पे ये पैचेस बने हुए हैं, ठीक हो गया। एक ड्रेस ये है, बट मैं फील कर रही हूँ कि ये थोड़ा सा हैवी हो जाएगा बर्थडे के हिसाब से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा ही फॉर्मल हो जाएगा, कैजुअल बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। बट इसकी एम्ब्रॉयडरी जो है बहुत खूबसूरत हुई हुई है, बहुत नीटली है और ये कलर भी मेरा फेवरेट है। लीजिए आ गया है मेरा सेकंड ड्रेस है कुछ इस कलर का, मस्टर्ड सब, मतलब आपको पता नहीं वीडियो में सही तरह नज़र आ रहा होगा, यानी ये ब्राउन है, जैसे बिस्किट का कलर होता है ना लाइट ब्राउन, ये वो कलर है, ठीक है। इस तरीके से इसका मैंने ये कॉलर वाला गला बनवाया था और ये पूरी इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई भी है और ये पूरी शर्ट जो है वो इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है। लेकिन ये सब धागे का काम है, कहीं भी कोई आपको सितारा मोती ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। ये है इसका बॉर्डर जी, ठीक हो गया जी, ये इसका बॉर्डर है और इसकी स्लीव्स पे सिर्फ ये आगे जो है ये बॉर्डर जो इसके नीचे दिया हुआ है वही इसकी स्लीव्स पे आ गया, ठीक हो गया। इसका भी ट्राउज़र जो है वो बिल्कुल प्लेन है, इसकी बैक पे भी
इसकी बैक भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसकी बैक, उसकी बैक कुछ इस तरीके से है, ठीक हो गया। ये है इसकी बैक शर्ट की, ये पूरे इस तरीके से दो लाइंस आ रही हैं, एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है और बीच में ये छोटे छोटे से फ्लावर्स बने हुए हैं, ठीक है। और इसके साथ का ट्राउज़र जो है वो ये है, प्लेन ट्राउज़र है बिल्कुल सेम कलर का, बट इसका दुपट्टा बहुत ही जी। तो इसका दुपट्टा आपको मैंने दिखा दिया है, ये देखें इस तरीके से इसका दुपट्टा है, ये खूबसूरत से इसकी किनारी बनी हुई है और शेफोन जॉर्जेट का बिल्कुल अच्छा खूबसूरत सा दुपट्टा है। ये इस तरीके से छोटे छोटे से फ्लावर्स बने हुए हैं, कहीं ऐसे फूल पत्ती बनी हुई है, तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत हमारा ये वाला भी ड्रेस है। मस्टर्ड सा कलर आप इसको कह सकते हैं, लाइट ब्राउन है, डार्क ब्राउन नहीं है, लाइट ब्राउन है। वीडियो में मुझे नहीं पता कि आप लोगों को किस तरीके से शो होगा, बट मैं आपको कलर बता रही हूँ, हो सकता है आपको लेमन लग रहा हो लेकिन ये लेमन कलर नहीं है। और इसके जो है वो मैंने इसके चाक दामन पे इस तरीके से ये पिंक कलर की फ्लावर से मैच करके डोरी पाइपिंग लगवाई थी, ठीक हो गया। ये आ गया है मेरा थर्ड ड्रेस, ये ड्रेस जो है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है, पहना हुआ बहुत ही अच्छा लगता है। इसका कलर है बिल्कुल रेड, रेड कलर है ये, ठीक हो गया। और इसकी जो है वो पूरी शर्ट हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है लेकिन धागे की कढ़ाई हुई भी है। ये हैं इसकी स्लीव्स, ठीक है। इसकी स्लीव्स पे आगे ये पैचेस लगे हुए हैं, पूरी शर्ट मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पूरी शर्ट इस तरीके से पूरी फुली एम्ब्रॉयडर्ड है, ये आ गया इसका, ये इसका दामन आ गया। पूरी शर्ट फुली हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है, इसकी बैक जो है वो बिल्कुल प्लेन है, ठीक है। इसका ट्राउज़र कॉटन का है और ये इस तरीके से, पता है ये आ गया जी इसका ट्राउज़र, देखें इस तरीके से, पता नहीं इसको क्या कहते थे, ये लाइंस डलवाते थे ट्राउज़र में, मैंने इस तरीके से इसमें ये डलवाई थी। प्लेन लॉन कॉटन का जो है वो इसका ट्राउज़र है और शर्ट भी जो है वो लॉन कॉटन पे ही हैवी एम्ब्रॉयडरी हुई है। ये है इसका दुपट्टा जो कि वही है सिल्क जॉर्जेट टाइप इसका दुपट्टा है और ये इस तरीके से पूरे दुपट्टे पे ये ऐसे बॉर्डर बना हुआ है और ये कुरेशिया पीको कहते हैं शर्ट इसको, ये कुरेशिया पीको हुई है, ठीक है। और दुपट्टे के सेंटर में भी कहीं पैचेस छोटे छोटे से बने हैं और कहीं छोटे छोटे से फ्लावर्स के बंच बने हुए हैं। तीनों ड्रेसेस मैंने आपको दिखा दिए हैं, तीनों ड्रेसेस मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से देख लिए होंगे और तीनों ही जो है वो समर सीज़न के लिहाज से बेस्ट हैं। कोई भी ऐसा हैवी मतलब ऐसा कपड़ा नहीं है कि जो कि आप गर्मी में ना पहन सकें, इजी टू वेयर है और कंफर्टेबल भी है। तो प्लीज़ अच्छे अच्छे से कमेंट्स करिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं कौन सा ड्रेस वेयर करूँ। और आई होप कि आप लोग जो भी कमेंट्स देंगे या जो भी सजेशन देंगे वो अच्छे। अपने तीनों ड्रेसेस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अच्छे अच्छे से कमेंट्स करना और अपने सजेशन देना अच्छा सा मत भूलिएगा। हम आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।